अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पेपर से फ्रॉक। उसके लिए आप कंप्यूटर पेपर ले लीजिएगा स्क्वायर, उसे एक साइड से फोल्ड कर लीजिएगा जैसे मैंने फोल्ड किया। फिर ऊपर से एक कॉर्नर को नीचे की तरफ फोल्ड करना है, चीज़ अच्छी बने आपकी ना, ये देख लीजिएगा। फिर इसी तरह अपोजिट कॉर्नर से भी इसी तरह फोल्ड कर लीजिएगा। जब आप टर्न करेंगे तो इसको ऊपर से चीज़ उठी हुई होगी, उसकी अपोजिट जो है ना क्रीज को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ना तो ये शेप बन जाएगी। ये वाली शेप मैं आप लोग को बहुत बार सिखा भी चुकी हूँ। उसके फिर आप ऊपर की लेयर जो नहीं आ रही उसे ऊपर की तरफ मोड़ना है, सिर्फ ऊपर वाली लेयर के ना एक कॉर्नर ऊपर की तरफ मोड़ेगा इस तरह। अपोजिट भी इसी तरह करना है। उसके बाद आपके पास ऐसी शेप बनेगी। उसके बाद नीचे वाला जो नहीं है पेपर उसको ऊपर की तरफ लेकर आना है, लेकिन कितना लेकर आना है, जहाँ तक मैंने ऊपर फोल्ड किया है ना उतना ही लेकर आना है। नीचे से फिर इसको कर दीजिएगा। अब साइड इसकी फोल्ड करनी है। साइड को इतना फोल्ड करना है कि ये जो बीच वाला सेंटर पार्ट है ना इसका उतना हो जाए, मतलब एक साइड से उतना और अगली साइड से भी ना उतना ही फोल्ड करना है कि सेंटर पॉइंट जो नहीं है वहाँ तक आए। अच्छा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलेगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर आपकी एक शेप बन जाएगी। उसके बाद आपको अपोजिट कर लीजिएगा। अब यहाँ से ना एक फोल्ड करना है आपको नीचे से। ये वाला जो मैंने फोल्ड किया ना ये इसकी एक वजह है, क्योंकि अब ये वाली चीज़ जो है ना ये थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल स्टेप लग रहा था मुझे। इसको मतलब बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे ना तो ऊपर की तरफ लेकर आना था, जैसे हम बचपन में शिप बनाया करते थे पेपर से बोर्ड इस तरह। जो साइड के दोनों कॉर्नर है ना उन्हें नीचे फोल्ड करना है, जैसे ऊपर पहले कर रहा था उसी तरह ना नीचे की तरफ ये होंगे फोल्ड। दूसरी साइड से भी इसी तरह सेम रिपीट होगा स्टेप। इसको थोड़ा अच्छे से प्रेस करेगा क्योंकि खुल ना जाए। फिर ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करेगा। और फिर ये एक बीच से इसका हाफ जो है ना नीचे की तरफ फोल्ड होगा। ये बेसिकली ना आपका स्प्रिंग बनेगा ताकि आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये जंप करेगा फ्रॉक। बस ये तैयार हो गया। थैंक यू।